जनपद बलरामपुर में एसएससी ग्रुप के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने जनपद में ऑक्सीजन फैक्ट्री को लगाने के लिए जिलाधिकारी को लिखा पत्र। कोविड 19 की दूसरी लहर में चहुओर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। जनपद में व आसपास के जनपदों में कहीं भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है। भाजपा मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस ने बताया कि सभी को ऑक्सीजन मिल सके इस हेतु एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने जनपद में ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। दानवीर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पत्र में कहा कि कोरोना मरीज की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है, भविष्य में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, अतः जनता के हित ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाकर सभी को मुफ्त सिलेंडर देने का लक्ष्य है। उन्होंने इस हेतु जिलाधिकारी से शीघ्र ही सारी आपूर्ति पूर्ण करने का अनुरोध किया है। ये कोविड की महामारी को देखते हुए भविष्य में कोविड 19 की बढ़ने की संभावनाएं और अधिक दिख रही हैं, जिससे हमारे जनपद में, हमारे लोकसभा बलरामपुर में कोविड की महामारी अधिकतम प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुमति मांगी है कि एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री हम लगाना चाहते हैं, जिससे कि हम कोविड रहते हुए लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन प्रशासन को उपलब्ध तथा पब्लिक को कराएं, उसके पश्चात लोगों में ऑक्सीजन की कमी दूर की जाए। ये हमने अनुमति जिलाधिकारी से पत्र देके मांगा है तथा पर्यावरण के दिन हमने ये संकल्प लिया है कि जनपद के हर कस्बे, हर वार्ड में 25-25 टी गार्ड व पौधे, 75,000 पौधे हम बलरामपुर जनपद में व नगर निकायों में 25-25,000 पौधे व छोटे कस्बों में 10-10,000 पौधे हमारे द्वारा बरसात में लगाए जाएंगे, जो कि नीम, पीपल, बरगद ऑक्सीजन वाले पौधे होंगे, जिसमें हम सभी का सहयोग लेके इन पौधों को लगाएंगे तथा जो परिवार 5 पौधों को सुरक्षित रखेगा उसको आने वाले वर्ष में उनको सम्मानित भी किया जाएगा।